बहराइच में हुआ तिरंगे का अपमान, तिरंगे को बनाया ड्रेस का अस्तर, स्कूल के ड्रेस में लगाया जा रहा तिरंगा, पुलिस ने जब्त किया तिरंगा। इस साल देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया गया, वहीं बहराइच में तिरंगे का अपमान करने का मामला सामने आया है। यहाँ स्कूल के ड्रेस में तिरंगे का इस्तेमाल हो रहा था, वो भी अस्तर के तौर पर। जी हाँ, यहाँ ड्रेस बनाने वाले एक कारखाने में धड़ल्ले से तिरंगे का इस्तेमाल हो रहा था और पुलिस ने जैसे ही छापा मारा सबकी हवा टाइट हो गई। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये मामला बहराइच के शहर के कोतवाली नगर में बने डिंपल सरदार के गोदाम का बताया जा रहा है। ये गोदाम कानून गोपुरा उत्तरी चौकी के पीछे बना हुआ है। इस गोदाम में बच्चों के स्कूल ड्रेस बनाए जाते हैं। बीते दिनों यहाँ तिरंगे को लेकर उसकी तीनों पट्टियों को अलग अलग करके कपड़े के अस्तर के तौर पर यूज करना शुरू हो गया। इस दुकान पर प्राथमिक और जूनियर स्कूल का ड्रेस बनाया जाता है। किसी ने शिकायत की कि यहाँ तिरंगा अस्तर की तरह कपड़ों में यूज किया जा रहा है। इस शिकायत पर तुरंत गंभीरता दिखाई गई और गोदाम पर छापा पड़ा। मौके पर नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोतवाल विनय द्विवेदी और चौकी इंचार्ज भी पहुंचे। इस दौरान यहां बड़ी मात्रा में तिरंगे का अस्तर लगा हुआ कपड़ा बरामद किया गया। कई पैंट्स में ये अस्तर मोड़ करके लगे हुए थे, वहीं कई कपड़ों में अलग से सिले जा रहे थे। आरोपी की दुकान और गोदाम दोनों पर छापे मारे गए तो गोदाम में उस वक्त भी तिरंगे की पट्टियां जगह जगह पर बिखरी पड़ी थी, जिनमें से कुछ तो मशीन में लगकर लगभग सिलने को तैयार थी। इस पर तुरंत पहुंची टीम ने एक्शन लिया और सारा कपड़ा जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि डीएम ने गोदाम और दुकान को सील करने का निर्देश भी जारी कर दिया है, साथ ही ऐसा करने वालों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ राजेश चौहान ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।